हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ फैक्ट सेक्शन। बट बिफोर गोइंग इन टू द टॉपिक, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। रामायण का महत्व ना केवल धर्म में अपितु हमारी संस्कृति, राजनीतिक जीवन और पारिवारिक मूल्यों में भी देखा जा सकता है। रामायण का महत्व न केवल धर्म परंतु राष्ट्र की सीमाओं को भी पार करता है। धर्म की सीमाओं तथा राष्ट्र की सीमाओं को पार करने से हमारा क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले यह जानना जरूरी है कि रामायण क्या है। रामायण कहानी है अच्छाई की, जीत की तथा भगवान राम और सीता की। रामायण में कुल 24,000 छंद है तथा इन्हें 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें कांड कहा जाता है। इनके नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड है। भगवान राम के पिता राजा दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा, पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण पुत्र का मिष्टि यज्ञ सुमात्रा पुरोहित की उपस्थिति में यज्ञ किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा की 3 पत्नियों को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम लक्ष्मण, राम, भरत व शत्रुघ्न रखे गए। वहीं पर सीता माता राजा जनक की पुत्री थी। जब राम 16 वर्ष के हुए, विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के पास असुरों के खिलाफ सहायता के लिए आए, क्योंकि असुर उनके ध्यान में विघ्न कर रहे थे। विश्वामित्र, लक्ष्मण और राम मिथिला की तरफ चल पड़े, जहां पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। और इस स्वयंवर में कहा जाता है वह धनुष शिवजी द्वारा दिया गया था, जो कि केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही मोड़ पाएगा। परंतु श्री राम ने न केवल उसे मोड़ा बल्कि उसे तोड़ भी दिया। राजा दशरथ के शासन छोड़ने के समय रानी कैकेयी को दिए गए पुराने वचन के अनुसार उन्होंने वचन मांगा कि उनके पुत्र भरत राजा दशरथ के सिंहासन पर बैठें तथा राम व सीता 14 साल के वनवास के लिए जाएं। इस वनवास के दौरान माता सीता का अपहरण रावण कर लेता है तथा माता सीता को अपनी नगरी लंका में ले जाता है। उसके उपरांत राम और लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव की सहायता से रावण का वध कर देते हैं। रामायण न केवल धर्म अपितु राष्ट्र की सीमाओं को भी पार करती है। रामायण का उल्लेख अलग धर्मों में दिखाई पड़ता है, जैसे कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सीता का अपहरण नहीं दिखाया गया है। वहीं पर जैन धर्म के पोमाचेरियम में रामायण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। रामायण के सभी पात्र जैन हैं तथा वह अहिंसा का पालन करते हैं, परंतु रावण का वध लक्ष्मण द्वारा किया गया है और अहिंसा का पालन न करने पर लक्ष्मण तथा रावण नरक में जाते हैं। रामायण अलग राष्ट्रों में कुछ इस प्रकार से है। रामायण का प्रभाव ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों में दिखाई पड़ता है, जिसमें से कुछ राष्ट्र जैसे कि थाईलैंड में रामायण रामकाइन के नाम से प्रसिद्ध है तथा रामायण के वस्त्र भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति तथा प्राकृतिक थाईलैंड के अनुसार है। इसमें हनुमान की महत्वता दिखाई गई है। लाओस में रामायण फरालक फराराम के नाम से प्रसिद्ध है तथा यह भी थाईलैंड की तरह लाओस की संस्कृति से प्रभावित है। यह जातका कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। मलेशिया में रामायण हिकायत श्रीराम के नाम से प्रसिद्ध है तथा इसमें लक्ष्मण के पात्र को महत्वता दी गई है। म्यांमार में भी रामायण का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जो कि म्यांमार के संस्कृति तथा वर्मन भाषा से प्रभावित है। रामायण का प्रभाव भारत के पड़ोसी देशों में भी दिखाई पड़ता है, जैसे कि नेपाल में सिद्धि रामायण तथा श्रीलंका में जानकी हरण तथा दूर दराज देशों में जैसे कि इंडोनेशिया में राम कावका तथा ईरान में दास्ताएं राम।